नमस्कार फ्रेंड्स, लाइब्रेरी साइंस के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आज हम लाइब्रेरी साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले है आइसलिक। क्या है आइसलिक? तो आइसलिक की जो स्थापना है वो 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आइसलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में जे शाह, ए के मुखर्जी और जी बी घोष द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जे शाह, ए के मुखर्जी और जी बी घोष द्वारा है वो आइसलिक की स्थापना की गई। डॉक्टर एस एल होरा, कौन? डॉक्टर एस एल हो रहा है वो पहले प्रेसिडेंट थे इसके, किसके? आइसलिक के। और जो श्री जे शाह है, कौन? श्री जे शाह वो आइसलिक के पहले मानद महासचिव चुने गए। डॉक्टर एस एल हो रहा है वो आइसलिक के पहले प्रेसिडेंट और श्री जे शाह आइसलिक के पहले मानद सचिव चुने गए थे। आइसलिक का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में ही इसका मुख्यालय स्थित है, किसका? आइसलिक का। और आइसलिक की जो स्थापना है वो 3 सितंबर 1955 को। नेक्स्ट है आइटलिस। आइटलिस यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आइटलिस का जो पूरा नाम है वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। भारत में पुस्तकालय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यह एक राष्ट्रीय पेशेवर संगठन है। यह एक शिक्षकों का जो राष्ट्रीय पेशेवर संगठन है। और आइटलिस की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1969 को हुई थी। आइटलिस के जो प्रमुख उद्देश्य है वो है भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। किसको? भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक है उनके प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों के कल्याण को बढ़ावा देना। यानी एक शिक्षकों का ही महत्वपूर्ण संगठन है ये। नेक्स्ट है इफ्ला। इफ्ला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इफ्ला का जो पूर्ण रूप है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। यह पुस्तकालयों और सूचना पेशेवरों पर भरोसा करने वाले लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या ये? यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, यानी कि यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकालय हैं उनकी सहायता प्रदान करता है। इफ्ला है वो एक स्वतंत्र गैर सरकारी लाभ रहित संगठन है। क्या है? स्वतंत्र गैर सरकारी लाभ रहित संगठन है इफ्ला। और इफ्ला की जो स्थापना है वो 1927 में स्कॉटलैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इफ्ला की स्थापना 1927 में स्कॉटलैंड में हुई थी। और इफ्ला का जो वर्तमान में मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड नेशनल लाइब्रेरी में है। कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में नेशनल लाइब्रेरी में जो इफ्ला का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट जो है वो है एफआईडी। एफआईडी की जो स्थापना है वो 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में। कहाँ पर हुई थी? ये ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में बेल्जियम के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में हुई थी। और इसका जो मूल रूप से सर्वप्रथम नाम था वो आईआईबी यानी कि इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफी था। क्या था? इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डे बिब्लियोग्राफी था इसका। और ये बेल्जियम में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो दो वैज्ञानिकों पॉल ओटलेट और
हेनरी लाफोंटेन ने ब्रुसेल्स में की थी। एफआईडी की जो मुख्य रूप से स्थापना है वो 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में बेल्जियम के पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्यालय है 1934 में द हेग में बदल दिया था। कहाँ पर? द हेग में जो इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया वो 1934 में किया गया था। इसके जो नामों में परिवर्तन है वो कई बार किया गया था। एफआईडी के जो नामों में परिवर्तन है वो कई बार किया गया था। सबसे पहले इसका जो नाम था वो IIB था। इसके नामों में परिवर्तन है वो निम्न प्रकार से है। 1931 में द इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि IID नाम परिवर्तन किया गया था इसका। 1931 में द इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1937 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि FID कर दिया गया 1937 में, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1988 में एक बार फिर से इसका नाम चेंज किया गया और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। FID है वो 1937 में पेरिस में आयोजित यूनिवर्सल डॉक्यूमेंटेशन के पहले विश्व कांग्रेस के प्रायोजकों में से एक था। FID संस्थान है वो 1937 में पेरिस में आयोजित यूनिवर्सल डॉक्यूमेंटेशन के पहले विश्व कांग्रेस के प्रायोजकों में से एक था। नेक्स्ट है UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC की जो उद्घाटन है वो वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा 28 दिसंबर 1953 को इसका उद्घाटन किया गया था। UGC का जो उद्घाटन है वो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा 28 दिसंबर 1953 को किया गया था। नवंबर 1956 में UGC भारतीय संसद के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के पारित होने पर एक सांविधिक निकाय बन गया। UGC है वो 1956 में जो 1956 का जो एक्ट है उसके पारित होने के बाद है वो एक सांविधिक निकाय बन गया है। क्या बन गया है? सांविधिक निकाय। नेक्स्ट है जो 1994 और 95 में UGC ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर इनमें 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए। 1994 और 95 में UGC ने अपने 6 क्षेत्रीय केंद्र है वो स्थापित किए थे। पहला है पुणे, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोलकाता में, चौथा भोपाल में, पांचवा गुवाहाटी और छठा बेंगलोर में। इन 6 जगहों पर UGC ने अपने क्षेत्रीय केंद्र है वो स्थापित किए और अपने कार्यों का है जो विकेंद्रीकरण किया था। और UGC का जो प्रधान कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर। UGC का जो प्रधान कार्यालय स्थित है वो नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। UGC में 2 अतिरिक्त ब्यूरो 35 फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में भी संचालित है। यानी कि UGC के 2 अतिरिक्त ब्यूरो फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में भी संचालित है। UGC के दो जो अन्य कार्यालय है या ब्यूरो है वो फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में भी संचालित है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें।